हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज वीडियो रे में डिस्कस करबा जूनियर क्लर्क 2015 रे आसीथिबा जीके क्वेश्चन। एहा पूर्व रे पार्ट 1 टी डिस्कस करि सारी छे, जेउथिरे कि टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करि छे। तो जदि आपण माने देखि नहंती तबे प्रथमे ताहा देखि नंतु औ तापर एहा को देखिबे। तो एठारे आमे बाकी रहितबा 50 क्वेश्चन गुडी को डिस्कस करबा। तो सेतिपय वीडियो टी को स्टार्ट रो एंड पर्यंत निश्चय देखिबे। और चैनल को फर्स्ट टाइम पर विजिट करते एवं सब्सक्राइब कर दिंतु, कारण आग को आसुवा OSSSSC ARI OMIN फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि एग्जाम पर यह निहाती हेल्पफुल रहिबो। ओके, तो चलतु स्टार्ट करिबा। तो देखंतु आज फर्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ रोटेट्स राउंड इट्स एक्सिस अट स्पीड ऑफ डैश। तो पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे केते बेगरे घुरुची। तो पृथ्वी निजर अक्ष चारिपटे 28 किलोमीटर पर मिनिट घुरुची। तो यार करेक्ट आंसर टी होजिबो ऑप्शन सी। तो पृथ्वी निजर अक्ष चारिपटे 28 किलोमीटर पर मिनिट घुरुची। तो ये स्पीड रे से घुरुची। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड पाकिस्तान। तबे इंडिपेंडेंट इंडिया एवं पाकिस्तान रो फर्स्ट गवर्नर जनरल किए थे। तो इंडिपेंडेंट इंडिया रो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे माउंट बेटेन, और पाकिस्तान रो थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो यह क्यों ऑप्शन रे रही थी? तो यह रही ऑप्शन ए रे। तो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। तो इंडिपेंडेंट इंडिया रो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे माउंट बेटेन, और पाकिस्तान रो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट व्हाट एवर यू डू विल बी इनसिग्निफिकेंट बट इट इज वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू डू इट। तो यह किए लिखी तुम्हें जहा कर ताहा नगण्य, किंतु यह अति गुरुत्वपूर्ण जे तुम्हें ताहा कर। तो यह उक्तिटर लेखक होती महात्मा गांधी। ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत रो संविधान अनुसार केउटा गोटे मौलिक अधिकार नुहे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो टोटल 6 मौलिक अधिकार रही। तो सेगुड़िक हेउची, तो सेगुड़िक हला देखंतु राइट टू इक्वालिटी माने समानतार अधिकार। तापर रही राइट टू फ्रीडम माने स्वाधीनतार अधिकार। तापर रही राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन जहाँकि शोषण विरोधी अधिकार। तो देखंतु ऑप्शन ए रे रही राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। तो यह हूँ गोटे फंडामेंटल राइट। तापर नेक्स्ट रही राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार। तो यह रही ऑप्शन बी रे। तो यह हूँ गोटे फंडामेंटल राइट, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपर रही कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट माने सांस्कृतिक एवं शिक्षागत अधिकार। आउ लास्ट रही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी सांविधानिक प्रतिकार अधिकार। तो यह हूँ गोटे मौलिक अधिकार। तो यठार ऑप्शन ए बी आउ डी रे जहाँ देखी, तो यह हूँ गोटे गोटे फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार। किंतु ऑप्शन सी रे देखु राइट टू कन्वर्ट पीपुल टू अदर रिलीजन, तो यह गोटे मौलिक अधिकार नुहे। तेणु करेक्ट आंसर टी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी इज इनकरेक्ट। तो पुरी रा जगन्नाथ मंदिर विषय में क्यों तथ्यटी भूल रही। तो देखंतु ऑप्शन ए रे देछि इट वाज बिल्ड बाय किंग प्रताप रुद्रदेव। तो यह को प्रताप रुद्रदेव निर्माण करी नथिले। तो यही ऑप्शन टी भूल रही। तो यह किए निर्माण करते? तो यह निर्माण करते चोड़गंगा देव। तो यार निर्माण आरंभ करते चोड़गंगा देव, आउ शेष करते तृतीय अनंग भीमदेव। तो यठार प्रताप रुद्रदेव दे, तेणु यही ऑप्शन टी भूल रही। तो करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यह मध्य केउटा भूल अटे।
तो देखो तो ऑप्शन ए रे देछि ग्रुप ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसीवर एंड ग्रुप ओ इज ए यूनिवर्सल डोनर। तो ए बी रक्त ग्रुप सर्वजनीन ग्रहिता एवं ओ सर्वजन दाता। तो ये स्टेटमेंट टी करेक्ट रही। ऑप्शन बी रे देखंतु ग्रुप ए कैन रिसीव ओनली ए एंड ओ। तबे ए रक्त ग्रुप केवल ए एवं ओ ठारु ग्रहण करिपारिबे। तो ये ऑप्शन मध्य ठीक रही। ऑप्शन सी रे देखंतु ग्रुप बी कैन रिसीव ओनली बी एंड ओ एंड ग्रुप ओ कैन रिसीव ओनली ओ। तबे ग्रुप बी केवल बी एवं ओ ठारु रिसीव करिपारिबे आउ ग्रुप ओ केवल ओ ठारु रिसीव करिबो। तो यही स्टेटमेंट मध्य ठीक रही। तो यठार समस्त स्टेटमेंट करेक्ट रही किंतु एठारे कौन पचारि केउटा इनकरेक्ट रही। तो यूर केउटा मध्य इनकरेक्ट नुहे तेणु करेक्ट आंसर टी कौन ऑप्शन डी कौनसी टी नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन लेयर व्हिच कट्स आउट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन एंड बेनिफिट एनिमल्स एंड प्लांट्स इज फाउंड अट ए हाइट ऑफ टेस। तो सूर्यर क्षतिकारक अल्ट्रावायलेट रश्मि को प्रतिरोध करिपारुथिबा एवं प्राणी और उद्भिद मानकर उपकारी ओजन स्तर केते उच्चतार रही। तबे ओजन लेयर केते किलोमीटर रही। तो यह रही 10 to 50 kilometers मध्य। तो यह 10 to 50 kilometers मध्य रही ओजन लेयर आउ यह क्यों स्तर रही। तो यह रही स्ट्रेटोस्फीयर। तो यठार देखु को ऑप्शन रे मध्य नहीं 10 to 50 तेणु करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन डी कौन सी टी नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो इज ए कलम ऑफ टाउन्स और सिटीज एंड अनदर कलम कंटेनिंग द इंडस्ट्री दे आर एसोसिएटेड विथ। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फोर ऑप्शन गिवन बिलो शोइंग द करेक्ट मैचिंग बिटवीन देम। तो यठार टाउन बा सिटी दि जाएगी आउ एठारे तार इंडस्ट्री दि जाएगी। तो क्यों टाउन रे क्यों इंडस्ट्री रही ताठार आम मैच करवा। तो देखो सीरियल नंबर वन रे विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम रे क्यों इंडस्ट्री रही। तो यठार रही सिप बिल्डिंग। तो वन रोजब बी। तापर सीरियल नंबर टू रही वाराणसी। तो वाराणसी रही डीजेल लोकोमोटिव। तो टू रोजब ए। तो देखु वन री क्यों ऑप्शन रही। तो केवल ऑप्शन डी रे ही रही। तो गोटे ऑप्शन रे भी आम यह बाछीपर अन्य ऑप्शन रे कोठी भी नहीं वन री। तो यठार करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन डी। तो वन रही बी टू रे वाराणसी रही डीजेल लोकोमोटिव और सेपरि सेल नंबर थ्री रही सी कोलार कोलारे रही गोल्ड फील्ड। तापर सीरियल नंबर फोर रखा सिंद्री। तो सिंद्री रे कौन रही फर्टिलाइजर। तो फोर रोजब ए आउ आलीगढ़ रही कटलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोड आफ्टर क्लाइमिंग ए ग्रेट हिल्स वन ओनली फाइंड दैट देयर आर मेनी मोर हिल्स टू क्लाइम। गोटे बड़ पर्वत आरोहण कलापर जड़े देखे आरोहण करने आहरी अनेक पर्वत रही। उक्तिटर लेखक किए तो यह किए लिखी तो यह लिखी नेलसन मंडेला। तो ऑप्शन बी होठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व। तेबे क्यों दिन आंतर्जातीय महिला दिवस पालन कर। तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन ए मार्च 8। तबे मार्च 8 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे भाव में ऑब्जर्व करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड ओडिशा फास्ट प्ले रणजी ट्रॉफी। ओडिशा प्रथमे रणजी ट्रॉफी केबे खेली थिला। तो ओडिशा प्रथमे रणजी ट्रॉफी खेली थिला 1949 रे। तो ऑप्शन ए होठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कल्पना चावला द इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड इंजीनियर वेंट इनटू स्पेस इन कोलंबिया इन डैश। तेबे कल्पना चावला जे कि इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एवं इंजीनियर। तो से कोलंबिया रु
स्पेस को केबे जाई थिले। तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन बी नवंबर 1997 रे। तेबे से 19 नवंबर 1997 मसीह रे स्पेस को जाई थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूरिटिस एग्जांपल ऑफ डीजेनरेशन ऑफ नर्व्स वीकनेस ऑफ मसल एंड स्वेलिंग ऑफ लिम्स आर सिम्टम्स ऑफ डेथ। तो न्यूरिटिस जहाँकि स्नायु अपक्षय मांसपेशीर दुर्बलता एवं अंग प्रत्यंग फुली जावा एगुड़िक क्यों रोगर लक्षण अटे। तो यह बेरी बेरी रोगर लक्षण अटे। तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन सी। आउ देखो तो ये बेरी बेरी रोग कहा अभाव होता है तो यह विटामिन बी अभाव होता है। तो यह मध्य निहाती मन रखत तो विटामिन बी अभाव होता है बेरी बेरी रोग। आईपरि स्कर्वी रोग विटामिन सी अभाव होता है आउ रिकेट्स जहाँ कि विटामिन डी अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जग फॉल्स द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ एशिया आर लोकेटेड इन डैश। तो एशिया सर्वोच्च जलप्रपात होउछि जगफल। तो यह क्यों राज्य रही तो यह रही कर्णाटक। तो यह करेक्ट आंसर टी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चरक वाज सपोज टू बी द रॉयल कोर्ट फिजिशियन ऑफ डैश। तो चरक कहार राजदरबार रे राजवैद्य थिले। तो चरक थिले कनिष्कंकर राजदरबार रे। तो ऑप्शन डी होजी पठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ए कथक एंड कुचिपुड़ी डांसर। तो यमर किए बोथ कथक एवं कुचिपुड़ी डांसर। तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन डी शांता राय। तो शांता राय होती बोथ कथक एवं कुचिपुड़ी डांसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ कलेरा। तो यमर क्योंटा कलेरा बा होइजार लक्षण नुहे। तो देखो ऑप्शन ए रही लूज मोशन अलमोस्ट लाइक वाटर। तो प्राय पानी भलिया पतला छाड़ा है बा। तो यह अच्छी कलेरार मुख्य लक्षण। तापर ऑप्शन बी रे इंटेंस थॉट माने अत्यधिक शोष होगा। तो यह कलेरार सिम्टम्स। तापर ऑप्शन सी रे वोमिटिंग। तो यह मध्य कलेरार गोटे लक्षण अटे। किंतु ऑप्शन डी रे देखो येलोइंग ऑफ बॉडी एंड आईज। तो यह कलेरार लक्षण नुहे। तो यह कहार लक्षण अटे तेबे यह होउछि जंडिस बा कामल रोगर लक्षण। तेबे येलोइंग ऑफ बॉडी एंड आईज माने शरीर एवं आखि हलदिया पड़ जा। तो यह होउछि जंडिस बा कामल रोगर लक्षण अटे। तो यह कलेरा रोगर लक्षण नुहे। तेणु करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन डी शरीर और आखि हलदिया पड़ जा। तो यह कलेरार लक्षण नुहे। किंतु प्राय पानी भलिया पतला झाड़ा हेबा तापर प्रबल शोष हेबा एवं बांति हेबा। तो यह हूँ कलेरा रोगर गोटे गोटे लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवेन बिलो आर नेम्स ऑफ प्लेस इन वन कलम एंड द एक्टिविटी दे आर नोन फॉर इन द अदर। फाइंड आउट द पेयर व्हिच डज नॉट मेक मैच। तो निम्न गोटे स्तंभ में स्थान नाम दि जाए स्तंभ में ता प्रसिद्ध लाभ कर कार्यक्षेत्र नाम दि जाए। तो यह एक्टिविटी नोन फॉर तो प्रसिद्ध लाभ कर नाम दि जाए। तो यमर क्योंटा ठीक भाव में मेल करूना माने भूल रही। तो देखु सीरियल नंबर वन रे कांडला। तो कांडला हूँ गोटे पोर्ट। तो पोर्ट दैट कनेक्ट मुंबई विथ कराची। तो यह मुंबई और कराची को कनेक्ट कर तेबे एही पेयर टी इनकरेक्ट रही। तेणु करेक्ट आंसर टी कौन हम सीरियल नंबर वन। तो यह क्यों ऑप्शन रही। तो यह रही ऑप्शन ए रे। तेबे यह मैच करूना। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स इज इनकरेक्ट। तो यठार बुक आउ तार ऑथर दि जाए। तो यमर क्योंटा इनकरेक्ट रही। तो देखो सीरियल नंबर वन रे चित्रांगदा।
तो यह किए लिखी तो यह लिखी रवींद्रनाथ टैगोर तो यह करेक्ट रही। ऑप्शन सॉरी सीरियल नंबर टू रे कॉन्फिडेंशियल क्लर्क तो यार ऑथर थे टी एस इलियट तो यह करेक्ट रही। थ्री रे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ तो यार ऑथर होती महात्मा गांधी तो यह करेक्ट रही। सीरियल नंबर फोर रे कुली तो यार ऑथर दे राजा राव तो यही ऑप्शन टी इनकरेक्ट रही। तो करेक्ट आंसर टी कौन हम सीरियल नंबर फोर माने ऑप्शन बी हो रे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्विस इन मे 1992 एंड मे 1993 तो मे 1992 एवं मे 1993 एवरेस्ट श्रृंग दुई थर आरोहण करथिबा प्रथम महिला किए तो से होचंती संतोष यादव तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। तेबे संतोष यादव होचंती प्रथम महिला जी की एवरेस्ट श्रृंग को दुई थर आरोहण करथिले तो से 1992 मसीह 1993 मसीह यह दुई थर आरोहण करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग इंडियन गोल्ड मेडल विनर्स ऑफ 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड एट ग्लासगो विथ द स्पोर्ट्स फॉर व्हिच द मेडल वाज अवार्डेड तो यठारे कौन कही तो निम्न प्रदत्त 2014 मसीह राज्य गोष्ठी क्रीड़ा प्रतियोगितार भारतीय स्वर्ण पदक विजेता एवं सेमाने क्यों खेलों पर से पदक प्राप्त होते तो तार सठिक मेल कर तो देखो तो एठारे प्लेयर दिया जाए छी एवं से क्यों खेल रे मेडल पाई तो ताठारे आम मैच करवा तो एठारे खेल नाम दि जाए छी। तो देखो तो सीरियल नंबर वन रे ज्योत्स्ना चिनप्पा तो से क्यों खेल सह संपृक्त थिले तो से स्क्वाश सहित संपृक्त थिले तो ए रो हो सीरियल नंबर टू तो से पर देखो सीरियल नंबर बी रे विनेश फोगाट तो विनेश फोगाट क्यों खेल सह संश्लिष्ट तो से रेसलिंग सहित तो बी रो फोर तपर सीरियल नंबर सी रे देखु विकास गड़ुआ तो से डिस्कस थ्रो सहित संश्लिष्ट तो सी रो थ्री आउ सीरियल नंबर डी रे सतीश शिवलिंगम तो सतीश शिवलिंगम से वेट लिफ्टिंग मेडल पाई तो डी रो वन तो ए रो टू तो ए रो टू क्यों ऑप्शन रे रही तो यह रही ऑप्शन बी आउ सी रे तो डी एवं ए एठारे कटिजिबो तापर बी रो फोर क्यों ऑप्शन रही तो यह रही केवल ऑप्शन सी रे तो करेक्ट आंसर टी कौन हबो ऑप्शन सी तो यह को अपन ऑप्शन एलिमिनेशन माध्यम आंसर चूज करि परबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज प्रेजेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार तो म्यांमार साधारणतंत्र वर्तमान राष्ट्रपति किए तो यही क्वेश्चन टी 2015 जूनियर क्लर्क आसी तो से समय रे म्यांमार साधारणतंत्र वर्तमान राष्ट्रपति किए थे तो ताहा जानी ना तो वर्तमान किए अच्छा तो ताहा इम्पोर्टेंट तो वर्तमान होती मेंट स्वे तो वर्तमान म्यांमार साधारणतंत्र राष्ट्रपति होती मेंट स्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन द देवमाली हिल्स इन कोरापुट इज अल्सो नोन आज टेस तेबे कोरापुट रो देवमाली पर्वतमालार अन्य नाम कौन तो यार अन्य नाम हो दुधारी तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। जेहेतु यह दुधारी विलेज पाखे रही तेणु यार नाम दुधारी हो देवमाली होची जहाँ कि ओडिशा रो हाईएस्ट पीक यह क्यों ठारे रही कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखु द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी इज टेस तेबे मनुष्य शरीर रे साधारण रक्तचापर हार केते तो यह सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक द्वारा प्रकाश करा जाए थे। तो सिस्टोलिक डिवाइडेड बाय डायस्टोलिक तेबे सिस्टोलिक प्रेशर केते होता है तो यह होता है 120
और डायस्टोलिक होता है 80। तबे नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी 120 डिवाइडेड बाय 80 mmHg होता है। तो यह क्यों ऑप्शन रही थी? तो देखो तो ऑप्शन बी रे यह ओलोटा देछी तो यह है वो नहीं, तो एठारे कोनोसी ऑप्शन मध्ये हो नहीं, तेनु करेक्ट आंसर टी कोन हबो? नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस हो जइबो एठारे करेक्ट आंसर। तो एठारे आपण ऑप्शन बी सहित तो कंफ्यूज होबे नहीं, कारण यह ओलोटा देछी जाकि 120 डिवाइडेड बाय 80 होय थे, किंतु एठारे 80 डिवाइडेड बाय 120 होय छी, तेनु यह हेबो नहीं। तो सेइ परी मनुष्य शरीर रक्तचाप मापी क्यों जंत्र व्यवहार करा जाय थे, तो से जंत्र नाम होची स्पिग्मो मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंपोर्टेंट ईयर एंड द इवेंट दैट अकर्ड इन इट। तो एठारे ईयर एवं इवेंट दिया जाय छी, तो एमानक मध्यरु कोटा करेक्ट रही छी। तो देखंतु सीरियल नंबर 1 रे दिछि 1857, तो इवेंट कौन दिछि? मे 10 सिपाही मीटिनी। तो 1857 मसीहा मे 10 तारीख रे सिपाही विद्रोह होइथिला, तो यह करेक्ट रहिछि। तापर अन्य ऑप्शन गुड़ को देखि नबा, देखंतु सीरियल नंबर 2 रे दिछि 1863 रे इंडियन काउंसिल एक्ट। तेबे इंडियन काउंसिल एक्ट जहाँ की 3 थर आसीछि आ सेर तार इयर गुड़ को होछि 1861 रे गोटे आसीथिला, आउ गोटे 1892 रे आसी छी, एवं आउ गोटे होची 1909 रे। तो एठारे दे छी 1863, तो यह इनकरेक्ट रही छी, तो ऑप्शन 2 हेबो नहीं। तपर देखन तो ऑप्शन सॉरी सीरियल नंबर 3 रे दे छी 1872 फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। तो 1872 मसीहा रे प्रथम जनगणना होइथिला, तो यह किछि मात्रा रे ठीक रही छी, किंतु संपूर्ण रूपे यह को ठीक कहा जाय परबो नहीं, कारण इंडिया रो सेंसस जाकी 1872 पूर्वरु आरंभ होइथिला। तपर सीरियल नंबर 4 रे देखंतु 1876 ब्राह्म समाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देखंतु ब्राह्म समाज स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंड करिनथिले, तो यह संपूर्ण रूपे इनकरेक्ट रही छी। तबे ब्राह्म समाज किए फाउंड करिथिले? तो याको यार फाउंडर होउछंती राजा राममोहन राय, आउ से केबे फाउंड करिथिले? तो 1828 रे। तो 1828 मसीहा रे राजा राममोहन राय ब्राह्म समाज प्रतिष्ठा करिथिले। तो सेही परि स्वामी दयानंद सरस्वती कोण फाउंड करिथिले? तो से आर्य समाज रो फाउंडर। तबे स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 मसीहा रे आर्य समाज फाउंड करिथिले। तो एठारे तीनोटी नंबर ही भूल रही, तो करेक्ट आंसर टी कौन हम? सीरियल नंबर 1 जहाँकि 1857 मसीहा रे सिपाही विद्रोह होता मे 10 रे। तो सीरियल नंबर 1 क्यों ऑप्शन रे रही? तो ऑप्शन ए रे। तो ऑप्शन ए हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारतर निम्नलिखित क्यों राज्य सबुठारु जनबहुल अटे? तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट होची बिहार। तो फास्ट रही बिहार जहाँ कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, किंतु देखंतु एठारे को ऑप्शन रे मध्य बिहार नहीं। तो तापर देखंतु सेकेंड रे किए रही? तो सेकेंड रे रही वेस्ट बंगाल। तो फास्ट रे रही बिहार एवं सेकेंड रे रही वेस्ट बंगाल। तो एठारे वेस्ट बंगाल ऑप्शन रे रही, तेणु करेक्ट आंसर टी कौन हम? ऑप्शन बी। तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया हो जाए वेस्ट बंगाल, किंतु जदि एठारे पचारि थांता मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, तो ताहा होई थांता उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट रिसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो निम्नलिखित क्यों व्यक्ति संप्रति सम्मानजनक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त होती? तो देखंतु ए क्वेश्चन टी 2015 रे आसीतिला, तो सही समय रे दादा साहेब फाल्के अवार्ड रो अवार्डी किए थे? तो से थे गुलजार। तो ऑप्शन सी हो जाए करेक्ट आंसर, किंतु रिसेंटली किए पाई, तो से होती रेखा।
तो यहाँ निहाती मन रखत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस पोएम वंदे उत्कल जननी वाज कंपोज बाय डैस। तेबे ख्यातनामा कविता वंदे उत्कल जननीर रचयिता किए? तो वंदे उत्कल जननीर रचयिता होती कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तो यठार अपशन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यह क्योंटा भूल रही? तो यठार कौन दि जा? द चीफ फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू डैश। तो यठार हार्ट र चीफ फंक्शन दि जा, तो यह क्योंटा इनकरेक्ट रही? तो देखो तो आई रे सप्लाय प्योर ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो शरीर समस्त अंग प्रत्यंग को विशुद्ध रक्त जोगाइब। तो यह करेक्ट रही। सीरियल नंबर टू रे कलेक्ट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो शरीर विभिन्न अंगरु दूषित रक्त संग्रह करिबा। तो यह मध्य हार्ट रो गोटे कार्य अटे। तापर सीरियल नंबर थ्री रे टू सप्लाय ऑक्सीजन टू ब्लड। तो रक्तरु अम्ल सरी रक्त को अम्लजान जोगाइबा। तो यह हार्ट रो कार्य नुहे, तो यह होची लंग्स रो कार्य। तो यह इनकरेक्ट रही। देखो तो आई भी रे पंप इम्प्योर ब्लड इनटू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। तो फुसफुस को विशोधन पाई दूषित रक्त पठाइबा। तो यह मध्य करेक्ट रही। तेबे एठारे गोटे ऑप्शन ही इनकरेक्ट रही जहाँकि सीरियल नंबर थ्री। तो सीरियल नंबर थ्री केउठारे देछी? तो यह रही ऑप्शन सी रे। तो ऑप्शन सी हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन बिलो इज ए कलम ऑफ डिजर्ट एंड द अनदर कलम ऑफ कंटिनेंट इन व्हिच दे एग्जिस्ट। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फोर ऑप्शन गिवन बिलो शोइंग द करेक्ट मैचिंग बिटवीन देम। तो यठार डिजर्ट दि जा क्यों कंटिनेंट रे रही तो ता दि जा। तो यह आम एठार मैच करवा। तो देखो सीरियल नंबर व आई रे सहारा। तेरे सहारा क्यों महादेश रे रही? तो यह रही आफ्रिकार। तो आई रो बी, तो सहारा रही आफ्रिकार। तापर देखु सीरियल नंबर टू रे गोबी। तो गोबी के रही? तो यह रही एशिया। तो टू रो ए। तापर थ्री रे देखु कालाहारी। तो कालाहारी यह रही आफ्रिकार। तर थ्री रो बी। तापर फोर रे देखु टकला माखन। तो टकला माखन यह रही एशिया। तो आई भी रो ए। तो यठार आई एवं आई भी रो ए हेबो एवं आई आई एवं आई 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 रो बी हेबो। तो यह क्यों ऑप्शन रही? तो देखो तो आई रो बी, आई रो बी एवं आई आई रो आई आई रो ए। तो आई रो बी एवं आई आई रो ए जहाँकि ऑप्शन ए रे रही। तो यठार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर आईसीएस वाज हेल्ड इन द ईयर डैश। तो भारतीय सिविल सर्विस रो प्रथम प्रतियोगितामूलक परीक्षा क्यों वर्ष होइथिला? तो आईसीएस एग्जाम कंडक्ट करिबा पई फर्स्ट चैप्टर आसीथिला 1853 रे, किंतु एग्जाम होइथिला 1855 रे। तो 1853 रे आसीथिला चार्टर किंतु यही एग्जाम होइथिला 1855 रे, किंतु एठार 1855 के ऑप्शन रे मध्य नहीं। तेणु एठार आम ऑप्शन डी को एठार आंसर भाव ग्रहण करवा। तो एठार करेक्ट आंसर टी कौन हम? ऑप्शन डी 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ भगत सिंह। तेबे भगत सिंह को विषय रे क्योंटा भूल अटे? तो देखो तो ऑप्शन ए रे देछी ही वाज ए ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो से जने महान स्वाधीनता संग्रामी थिले। तो यह करेक्ट रही। ऑप्शन बी रे देखु ही पॉपुलराइज द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। तेबे से इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन को जनप्रिय करथिले। तो यह मध्य करेक्ट रही, किंतु इनकलाब जिंदा थिले
हसरत मोहानी आक पपुलाराइज करते भगत सिंह। तापर ऑप्शन सी रे देखु ही वाज हैंग्ड इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ऑन 23 मार्च 1931। तो 1931 मसीहा मार्च 23 तारीख दिन लाहौर षड़यंत्र मामलें तांकु फांसी दिया जाए थिला। तो यह मध्य करेक्ट रही। ऑप्शन डी रे देखु ही वाज ए मेंबर ऑफ द इंडियन मुस्लिम लीग। तो से इंडियन मुस्लिम लीग्र मेंबर नथिले। तो ऑप्शन डी एठारे इनकरेक्ट रही। तेणु करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल प्राइज फॉर पीस फॉर 2015 हैज बीन अवार्डेड टू द ट्यूनिशिया नेशनल डायलॉग क्वार्टर एन एसोसिएशन ऑफ फोर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्यूनिशिया फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू डेथ। तेब ट्यूनिशिया नेशनल डायलॉग क्वार्टर को 2015 रा नोबेल पीस प्राइज मिली। तेब यह क्योंपाई मिली तो क्यों क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन अवार्ड टी मिली। तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन ए प्लुरास्टिक डेमोक्रेसी। तेब प्लुरालिस्टिक डेमोक्रेसी ट्यूनिशिया नेशनल डायलॉग क्वार्टर को नोबेल पीस प्राइज 2015 मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेट ऑफ फीमेल फॉर 1000 मेल इन ओडिशा एज पर सेंसस 2011 इज डैश। तो 2011 जनगणना अनुसार ओडिशा रे प्रति हजार पुरुष रे महिला हार केते। तबे प्रति हजार पुरुष रे महिला हार होची 979। तो एठारे क्यों ऑप्शन रे मध्य नहीं तेणु एठारे आमे 978 ही नबा। तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन वाटर इज डैश। तो समुद्र जलर हाराहारी लवणता केते। तो यार करेक्ट आंसर टी हो 3.5%। तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। तेबे समुद्र जलर हाराहारी लवणता हो 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज द नाइट ऑट आर्कटिक सर्कल ऑफ 2014 हावर्स ड्यूरेशन। तो निम्नोक्त क्यों तारीख रे सुमेरु वृत्त रे 24 घंटा व्यवधान रो राति होय थे। तेबे राति 24 घंटा होय थे। तो यह केबे होय थे तो यह होय थे डिसेंबर 21 रे। तो यह डिसेंबर 22 किंबा 21 रे होय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन द राइट टू प्रॉपर्टी वाज एबोलिश्ड आज फंडामेंटल बट मेड ए लीगल राइट बाय डेथ। तो भारत रे क्यों संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति अधिकार उच्छेद एवं ताकु आईनगत अधिकार करा गला। तो प्रथम रु संपत्तिगत अधिकार जहाँ कि गोटे मौलिक अधिकार रही थिला किंतु क्यों संशोधन द्वारा यह को गोटे आईनगत अधिकार मान्यता दि जाए। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन डी 44 Amendment 1978। तेबे 1978 मसीहार 44वां संविधान संशोधन अनुजाई संपत्तिगत अधिकार गोटे आईनगत अधिकार मान्यता पाई। तेबे वर्तमान नागरिक मानकर टोटल केतोटी फंडामेंटल राइट रही। तो वर्तमान 6टी रही। तो आगर 7टी थिला तो वर्तमान 6टी रही। तो से 6टी कौ कौटा तो जाणी रखत। तो देखो तो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी जहाँकि 14 रु 18 आर्टिकल मध्य रही। तो समानतार अधिकार तो धारा 14 रु 18। तापर सेकेंड है राइट टू फ्रीडम। मैंने स्वाधीनतार अधिकार। तो यह क्यों धारा रे रही। तो यह रही 19 रु 21 धारा। तो राइट टू फ्रीडम रही 19 रु 21 धारा। तापर रही राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन शोषण विरोधी अधिकार।
तो शोषण विरोधी अधिकार जहाँकि 23 और 24 धारे रही रही राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने धर्मीय स्वाधीनतार अधिकार, तो यह रही आर्टिकल 25 रु 28 मध्य। नेक्स्ट रही कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, माने सांस्कृतिक एवं शिक्षागत अधिकार, तो यह 29 और 13 आर्टिकल रही। लास्ट रही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, माने सांविधानिक प्रतिकार अधिकार, तो यह रही 32 आर्टिकल। तो यहपर टोटल 6 मौलिक अधिकार रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ ओडिशा असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंट वाज हेल्ड इन डेस। तो स्वाधीनता पर ओडिशा विधानसभा प्रथम अधिवेशन क्योंठारे बसी, तो यह होता सरदार पटेल हॉल भुवनेश्वर। तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। तो इंडिपेंडेंट परे ओडिशा असेंबली इलेक्शन रो फर्स्ट सेशन होता सरदार पटेल हॉल भुवनेश्वर, किंतु बिफोर इंडिपेंडेंट केउठारे होता। तो जदि बिफोर इंडिपेंडेंट पचारि थांता तो यार करेक्ट आंसर टी हो रेवेन्सा कॉन्फ्रेंस हॉल कटक। तो बिफोर इंडिपेंडेंट ओडिशा असेंबली इलेक्शन होता रेवेन्सा कॉन्फ्रेंस हॉल कटक, आउ आफ्टर इंडिपेंडेंट होता सरदार पटेल हॉल भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रवींद्रनाथ टैगोर इज फॉल्स। तबे रवींद्रनाथ टैगोर को विषय रे क्योंटा इनकरेक्ट रही। तो देखो तो ऑप्शन ए रे देछी ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। तो से 1913 मसीहा साहित्य रे नोबेल पुरस्कार पाई प्रथम भारतीय, तो यह करेक्ट रही। तापर ऑप्शन बी रे देखंतु ही वाज द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन, तो से शांति निकेतन रो प्रतिष्ठाता, तो यह मध्य करेक्ट रही। तापर ऑप्शन सी रे देछि ही ऑथर्ड गीतांजलि गोरा एंड पोस्ट ऑफिस, तो से गीतांजलि गोरा एवं पोस्ट ऑफिस लिखिथिले, तो यह मध्य करेक्ट रही। तो एठारे तीनोटी ऑप्शन ही करेक्ट रही, तेणु करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन डी नन ऑफ दिस हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरला दास द ग्रेट ओडिया पोएट फ्लोरेस इन द कोर्ट ऑफ डेथ। तो महान ओडिया कवि सरला दास कहा राजदरबार में ख्याति अर्जन करते। तो सरला दास कहार राजदरबार में थे, तो से कपिलेन्द्र देव राजदरबार में थे। तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर सिलेरु इन इट्स अपर रिच इज कॉल्ड डैश। तो सिलेरु नदी ऊपर मुंड को कौन कहा जाए, तो यह कहा जाए थे माचकुंड। तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड हैज बीन अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ स्मॉलर टू बिगर इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो पृथ्वी निम्नक्त क्यों देश समूह भौगोलिक क्षेत्रफल अनुसार सानरु बड़ क्रम रे सजा हो। तो प्रथम आम यह लार्जर टू स्मॉलर करवा, तो देखो तो सबुठारो लार्जेस्ट होची रूसिया, तपरे कनाडा, तपरे यूएसए, तपरे रही चाइना, तपरे ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया आउ इंडिया। तो ये सबुठारो स्मॉलर जहाँकि इंडिया, तो इंडिया फास्ट रेहतु, तो ये स्मॉलर टू बिगर कही, तो इंडिया फास्ट रहा
तो इंडिया फास्ट रही देखते ऑप्शन ए रे तापर ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडियन रिवर तो यूर क्योंटा गोटे इंडियन रिवर नुहे तो देखो साबरमती पेरियार एवं हुगुली तो यह हूँ गोटे गोटे इंडियन रिवर किंतु रावी तो यह रही पाकिस्तान रे तो यह इंडियन रिवर नुहे तेणु करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर एंड इवेंट इज इनकरेक्ट तो यार ईयर दि जाए इवेंट दि जाए तो यह क्यों पेयर टी इनकरेक्ट रही तो देखो सीरियल नंबर वन रे 599 बीसी बार्थ ऑफ महावीर अट कुंडग्राम वैशाली तो 549 बीसी रे महावीर जन्मग्रहण करते क्योंठे वैशाली निकटस्थ कुंडग्राम तो यह करेक्ट रही। तापर सीरियल नंबर टू रे 569 बीसी महावीर अटेन एनलाइटमेंट अट राजगृह तो 569 बीसी रे महावीर राजगृह ठारे ज्ञान प्राप्ति होते तो यह मध्य करेक्ट रही। तापर सीरियल नंबर थ्री 563 बीसी बार्थ ऑफ गौतम बुद्ध अट लुम्बिनी नेपाल तो नेपाल रो लुम्बिनी ठारे गौतम बुद्ध 563 बीसी रे जन्मग्रहण करते तो यह मध्य करेक्ट रही। तापर सीरियल नंबर फोर रे देखु 528 बीसी सिद्धार्थ एटेन्स निर्वाण अट बोधगया तो सिद्धार्थ माने ठारे गौतम तेबे गौतम बुद्ध बोधगया ठारे 528 बीसी रे निर्वाण प्राप्ति होते तो यह मध्य करेक्ट रही। तापर सीरियल नंबर फाइव रे देखु 265 बीसी कलिंग वार एंड अशोकज कन्वर्सन ऑफ पेसिफिजम तो 265 बीसी रे कलिंग युद्ध हो नाला तेणु एठार सीरीयल नंबर फाइव जहाँ कि इनकरेक्ट रही तो 261 बीसी रे कलिंग युद्ध होता तेणु करेक्ट आंसर टी कौन हम सीरीयल नंबर फाइव तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर जहाँ कि इनकरेक्ट रही। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स एंड स्पोर्ट्स इट इज एसोसिएटेड विथ इज इनकरेक्ट तो यार स्पोर्ट्स दि जाए से रिलेटेड इनफर्मेसन दि जाए तो क्योंटा इनकरेक्ट रही तो देखो ऑप्शन ए रे स्टेलमेट तो यह चेस सहित तो रिलेटेड तो ए ऑप्शन टी करेक्ट रही। तापर ऑप्शन बी रे स्कूप स्कूप जहाँकि हॉकी एवं फुटबॉल तो यह करेक्ट रही। तापर ऑप्शन सी रे अपरकट तो अपरकट वेट लिफ्टिंग सहित तो संश्लिष्ट नुहे तो अपरकट जहाँकि बॉक्सिंग सहित तो रिलेटेड अटे तो यार ऑप्शन सी जहाँकि इनकरेक्ट रही तेणु करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन डेस तो क्यों तारीखें भारतर जातीय संगीत संविधान प्रणयन संस्था द्वारा गृहीत होता तो केबे जे भारतर जातीय संगीत संविधान प्रणयन सभा द्वारा गृहीत होता तो यार करेक्ट आंसर टी होन ए 24 जनवरी 1950 तेब 24 जनवरी 1950 भारतर जातीय संगीत संविधान प्रणयन सभा द्वारा एडॉप्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर ऑफ द साउथर्न इंडिया तेबे दक्षिण भारतर नदी कोटा नुहे तो यार महानदी कृष्णा एवं नर्मदा तो ये तीनोटी दक्षिण भारतर नदी किंतु चंबल जहाँकि नर्दर्न इंडिया अटे तेणु एठार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉल ऑफ सी टेम्परेचर बिलो नॉर्मल इन द पैसिफिक ओशन व्हिच टर्न्स हीट वेव्स इंटू कोल्ड स्पेल एंड ड्राउट इंटू डिल्यूज इज कॉल्ड डेथ तो अति गरम पाग को थंडा पाग एवं अनावृष्टि को प्रबल बन्यारे परिवर्तन कर पारुथिबा
साधारण तापमान ठारु प्रशांत महासागर सामुद्रिक तापमात्रार ह्रास अवस्था को कौन कहुए तो यह कहुए लानिना जहाँकि गरम पाग को थंडा पाग एवं अनावृष्टि थिले ताकु प्रबल बन्यारे मध्ये परिणत कर पारिथाय तो यह कौन कहुए तो यह होची लानिना। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोगैस कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ डेथ तो बायोगैस रे थिबा मिश्रण रो उपादान गुड़िकर परिमाण केते तो बायोगैस रे कौन कौन रही तो ये रही मिथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड तो मिथेन सबुठार अधिक रही कार्बन डाइऑक्साइड टिके कम रही तो केउटा केते परसेंट रही तेबे मिथेन रही 55% और कार्बन डाइऑक्साइड रही 45% तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन ए। तो देखो आज लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2015 तो ओडिशा सरकार द्वारा निम्नलिखित क्यों विभाग संप्रति सृष्टि होता जैक 1 जुलाई 2025 स्टार्ट होता तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन सी सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी माने सामाजिक निरापत्ता एवं भिन्नक्षम सशक्तिकरण तो यह डिपार्टमेंट टी ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट होता तो केबे क्रिएट होता 1 जुलाई 2015 तेबे यह जूनियर क्लब 2015 जीके क्वेश्चन तो एठारे टोटल 100 क्वेश्चन थिला तो समस्त क्वेश्चन गुड़िक एठारे आमे डिटेल्स भाव में डिस्कस करी।